शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें एनसीपी एसपी ने काटोल से अनिल देशमुख को उम्मीदवार बनाया, जिसे लेकर अनिल देशमुख ने प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा, सभी सहकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर निर्णय लेंगे कि अनिल देशमुख या सलील देशमुख चुनाव लड़ेंगे। यादी डिक्लेअर झालेली आहे, काल जयंत पाटलांनी यादी डिक्लेअर केली आणि काटोल मतदारसंघातनं अनिल देशमुखांचं नाव माझं नाव डिक्लेअर केलेलं आहे। मी लवकरात लवकर आमच्या सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे आणि त्या पद्धतीनं सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करून अनिल देशमुख निवडणूक लढणार की सलील देशमुख निवडणूक लढणार याबाबतीत आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ, पक्षश्रेष्ठीशी बोलू आणि त्या पद्धतीनं 28 तारखेला मग फॉर्म भरू। सध्या सर्व कार्यकर्त्यांची चर्चा सध्या चालू आहे, वरिष्ठ नेत्याशी चर्चा झाली आहे आणि त्यानुसार कार्यकर्त्याची चर्चा करून अनिल देशमुख किंवा सलील देशमुख पैकी कोण एक तरी सर्व कार्यकर्त्यांची चर्चा करून फॉर्म भरू। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार, मौत का कुआं, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञान वर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावने रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।